मेरे को अपना पता है, मैं 5 या 6 बजे से शाम को जाता स्कार्ब्रो, बट हुआ है जो भी इंसिडेंट हुआ है पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं देख रहा था टुनिशा वाला, तो मैं देख रहा हूँ उसके बाद से काफी लोग मुझे कल नहा के आया हूँ मैं नहीं है When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज पहली बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह के 4 बजे. In fact, 5 बजने वाले हैं. तो बात ऐसी है कि 5 बजे तो मैं उठा नहीं हूँ. इतना तो अच्छा मैं हूँ नहीं हूँ कि मैं भाई सुबह सुबह 5 बजे उठ जाऊँ. But आज प्लान ऐसा है कि मैं सोया ही नहीं था और मुझे किसी ज़रूरी काम से स्कार्बरो जाना था, तो अभी फ़िलहाल 5 बज रहे हैं. वैसे मैंने सोचा था मैं सो के उठ के फिर जाऊँगा स्कार्बरो, बट फिर मैंने कहा कि 5 बजे तक मैं सोया नहीं हूँ. अभी भी मैंने सोना नहीं था. कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक मैं सोता और फिर उसके बाद भाई मैं कहीं उठता 4 बजे शाम को, फिर 1 घंटे बाद 5-6. मेरे को अपना पता है, मैं 5 या 6 बजे से शाम को जाता स्कार्ब्रो, बट सारा काम जो मेरा होने वाला था वो तो हो ही ना पाता था. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी चले जाते हैं, और मुझे अभी किसी इंपॉर्टेंट काम से शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़े किसी को देखने के लिए. वो मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा उसके बारे में, बट अभी फ़िलहाल इतना ही सीन है कि 5 बज गया है. मैंने कैब कराई है यहाँ से गो स्टेशन तक की, तो वहाँ जाके बस लेंगे सीधा स्कार्ब्रो तक की, इनफैक्ट टोरंटो तक की. टोरंटो से जाएंगे हम ट्रेन से स्कार्ब्रो. तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी तो कैब की, और तैयार तो मैं हो गया था. तैयार वैसे कुछ खास नहीं हुआ, जैकेट पहनी है, अपना लैपटॉप बैग उठा लिया है, और थोड़ी सी कोक पी लेते हैं सुबह सुबह ताकि नींद ना आए. खाना भी मैंने उठा लिया. मैंने आज खाना बनाया था, कल बनाया था खाना. तो चने चावल बनाए थे, वो भी मैं पैक करके लेके जा रहा हूँ साथ में. तो काम वैसे मेरा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं कल ही बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल वहाँ जाके मिल के दोस्त से जो हॉस्पिटल में है थोड़ा चेक करूँगा क्या है, ठीक है कि नहीं है, एंड फिर उसका सो जाऊँगा अपने फ्रेंड के घर जा आपके, और फिर उसके कल कंटिन्यू करूँगा व्लॉग. बट अभी थोड़ा सा सोचा कि जब तक ट्रैवल कर रहे तब तक बना ही लेते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. तो चलते हैं, जल्दी से ऊपर चलते हैं, कैब की वेट करते हैं. कैब भी चेक करनी है फ़ोन पे. तो चल, तो भाई फाइनली आ तो चुके हैं गो स्टेशन पे. गो स्टेशन मतलब गो बस टर्मिनल. और यार मैं वाइड एंगल पे बनाया करूँ या फिर थोड़ा जूम वाले पे, जिससे पहले था नहीं. मेरे को काफ़ी लोग कह रहे थे कि पूरा आता नहीं हो, तो मेरे को कमेंट में बताना ये ज़रूर. बट फिलहाल मैं 2 मिनट पहले ही आ गया, लेट हो रहा था इतना जल्दी जल्दी कर करके. कैब वाले को मैं बोली जा रहा हूँ जल्दी 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 भैया, जल्दी 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 करके, और मैं यहाँ पे जल्दी आ गया 2 मिनट पहले. तो वेट कर रहा हूँ बस की, जल्दी से बस आए और मैं सीधा यहाँ से डाउन टाउन उतरूँ. तो अभी तो डाउन टाउन जाके फिर वॉक करनी पड़ेगी यूनियन स्टेशन तक. अभी आराम से 40 मिनट का रास्ता है, और मैं बस में ज़रूर एक बात करूँगा जो मेरे को ज़रूर बहुत टाइम से करनी थी, और मैं सोच रहा था ब्लॉक के अंदर ही करूँगा, स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊँगा. बट वेट करते हैं 2 मिनट में बस का, और बस जहाँ पे आएगी वहाँ चलते हैं पहले. सो जो बात मैंने करनी थी आप सबसे वो ये बात थी कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं. अभी रिसेंटली जो भी हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं देख रहा था टुनिशा वाला, तो मैं देख रहा हूँ उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, इतना कुछ कमेंट कर रहे हैं, और मैं किसी का फालतू में रिप्लाई नहीं दे रहा. बट मतलब मेरे ख्याल से कम मेरे को इस जब से इंसिडेंट हुआ तब से लेके अभी तक कम से कम 2-3 हज़ार कमेंट्स आ गए होंगे, और मैं बस पढ़ रहा हूँ. कुछ लोग बिना मतलब के, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं कि मैं कनाडा क्यों गया और मैंने ऐसा क्यों किया, ये ब्ला ब्ला ब्ला. भाई सिंपल सी बात है, मेरे को ये नहीं है कि हाँ जो भी हुआ है उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ. बात ये देखो, सिंपल सी ये कहना चाहूँगा कि लाइफ किसी के लिए भी रुकती नहीं है, एंड मैं पहली बात अपने घर से इतनी दूर हूँ, और अगर मैं ये चीज़ को लेके बैठ जाऊँगा ना
तुम क्या चाहते हो कि मैं भी डिप्रेशन में बैठा रहूं, एक दो महीने डिप्रेशन में बैठा रहूं और ऐसे ही बैठ के कुछ करूं ना, वो नहीं होगा मेरे से। अगर एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं वो ये कि ये चीज़ को ज़्यादा ना सोच के अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहिए मुझे, जो कि नॉर्मली सब बोल रहे हैं मेरे को करना चाहिए और मुझे भी ये सही लगता है, तो वही मैं करूँगा। तो उसके लिए अगर आप सबको बुरा लग रहा है, ये सब चीज़ें लग रहा है, मेरे को बुरा लगा है जो भी हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं सारा टाइम ब्लॉग में बैठ के बस ऐसे ही मुँह बना के ऐसे ऐसे फेक करूँ। तो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने फालतू बातें लिखी है, देखो यार जिनको लिखना है, जिसको नहीं पसंद है मत देखो प्लीज़, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट में चीज़ें लिखी है उनको सच में दिल से थैंक यू, और उन्होंने सच में सेंसिबल चीज़ें लिखी है, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सेंसिबल चीज़ें लिखी है और दिमाग लगा के कॉमन सेंस लगा के चीज़ें लिखी है। बट ज़्यादातर लोगों ने ये बोला तुम कैनेडा क्यों गए, मतलब यार तुम एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग घर पे बैठ के बस कमेंट कर रहे हो और कुछ काम नहीं, बस ये फालतू बकवास लिखी जा रहे हो मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में, तुम अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं करना चाहते, लाइफ के बारे में कुछ नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया तुम्हारी तरह है। और किसी और को बोलने से पहले तुम ये चीज़ चेक करो कि मतलब तुम कितना करते हो, अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते इस सिचुएशन में। बस ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को देख के ना मतलब ऐसे लगता है कि भाई इन बंदों की सोच ही कितनी है, मतलब कितना ही सोचते होंगे ये जो मेरे बारे में लिख रहे हैं। मतलब मुझे तुम ब्लेम कैसे कर सकते हो, मैं कैनेडा, भाई मेरे को 9-10 महीने हो गए मिले हुए, मैं कैनेडा में बैठा हूँ, मैं कैसे कुछ गलत कर सकता हूँ उसके साथ जो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मतलब कितने लोगों ने कितनी सारी चीज़ें लिखी है, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने का मन भी नहीं है, बट मैं इतना कहूँगा भाई प्लीज़ जो लोग हैं ना भाई थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो जो फालतू बातें लिखते हैं। और मुझे लगता है जो बातें ये ऐसे लिखते हैं ना उनके पास दिमाग तो है ही नहीं है भाई, लिटरली 1% उनके दिमाग इधर ये वाला पार्ट ना एकदम खाली है, दिमाग 1% नहीं है उनका, बस पकते रहते हैं। और मुझे बोल रहे हैं कि देखो व्यूज़ मिल रहे हैं, देखो उसके कारण तू जान पूछ के ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे को व्यूज़ ही चाहिए होते ना तो मैं आज की डेट में, मुझे पता है कि जितनी चीज़ें मुझे पता है और जितना कुछ जितना टाइम मैं उसके साथ रहा हूँ, सारी चीज़ें अगर मैं अपने ब्लॉग्स में डाल दूँ ना या फिर अपने उसमें लिख दूँ, एक स्पेसिफिक वीडियो बना के कर दूँ, 2-3 वीडियोस डाल दूँ, तो मैं सही बता रहा हूँ वो व्यूज़ के लिए, तब आप लोग कह सकते थे कि मैं व्यूज़ के लिए भाग रहा हूँ। बट जब तक मैं वो सब कर ही नहीं रहा, मैं अपने नॉर्मल व्लॉग बना रहा हूँ, स्पेसिफिकली कोई टिनिशा के ऊपर मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है या फिर कोई वीडियो डाली ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। अब वो व्यूज़ जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उस पर आ रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई। मज़ा आया, मैं बस के अंदर व्लॉग बना रहा था एंड इतनी तेज़ बोल रहा था मैं, क्योंकि एक तो 4-5 बजे का टाइम है, सब सो रहे हैं बस में, इतनी भरी हुई है बस पूरी और सब सो रहे हैं, तो मेरे आसपास के लोग ना मेरे को ऐसे उठ के ऐसे मुँह हिला रहे हैं कि भाई क्या बोली जा रहे हैं, इतनी तेज़ बोल रहे हैं। बट मेरी गलती थोड़ी है कि तुम सो रहे हो, 5 बजे का टाइम है, उठे रहो। तो बंदा भाई ऐसे उठ के देख रहा है मेरे को और बार बार ना मेरी तरफ देख के ऐसे गंदा सा मुँह बना रहा है, मारेगा मुझे लग रहा है ऐसा, बट डरते किसी से नहीं हम। तो भाई अभी हम जा रहे हैं यूनियन की तरफ, और ये वही जगह है जहाँ पे मैंने बहुत सारे व्लॉग्स के कुछ पार्ट रिकॉर्ड करे, यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो और काफ़ी लोगों ने इस पे रील्स भी बहुत बनाई है ये वाली जगह पे। बट अब हमारे पास टाइम नहीं है, 6:05 पे हमारी ट्रेन है और टाइम होने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं। बाय द वे स्कॉशिया बैंक अरीना है, यहाँ पे होते हैं बास्केटबॉल के मैचेस और बहुत सारे। और तो अभी आ चुका हूँ मैं यूनियन स्टेशन और ट्रेन में, भाई मेरे को मौका ही नहीं मिला मतलब बाहर जाने का। अब मेरा बड़ा मन था कि मैं डाउनटाउन मतलब लाइक बाहर जाऊँ थोड़ा सा डाउनटाउन में, बट वो जो गो ट्रेन और गो बस, मैं गो बस में आया था और गो बस से गो ट्रेन के अंदर ही अंदर से मतलब बिल्डिंग के अंदर ही अंदर से सारा वो रास्ता है, तो मैं बस वहीं वहीं से अंदर से आ गया भाई, तो चुप नहीं करता ये। एनीवे
तो मैं अंदर ही अंदर से आ गया, मैं बाहर निकला ही नहीं भाई, मौका ही नहीं मिला। अब यहाँ से सीधा भाई स्कार्पियो उतरेगी और मैं स्कार्पियो पहुँच के फिर उसके बाद सो जाऊँगा, फिर सुबह सीधा कंटिन्यू करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं बनाऊँगा ब्लॉग, इसके बाद सीधा सुबह कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को जो काम है वो मैं वीडियो बनाने नहीं वाला उसकी, तो वो थोड़ा पर्सनल है। और सीधा मिलते हैं सुबह, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक फिर से। और आज है अगला दिन, देख के लग ही नहीं रहा होगा, रात को भाई मैंने बंद किया और दिन आया ही नहीं पूरे ब्लॉग में, और अगला दिन है। तो फिलहाल कल ऐसा हुआ था कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, वो क्योंकि हॉस्पिटल से कुछ उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ था, तो उसके बाद मैं उसका हालचाल वगैरह पूछा, वहाँ पे बैठे रहे, उसको थोड़ा बहुत बात बूत करी, करते 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 मेरे 10 बज गए सुबह के और मैं सोया ही नहीं, तो घर पे ही थे हमने, तो तभी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और फिर उसके बाद जब मैं सोया तो अभी जस्ट मैं 6 बजे के करीब उठा था, तो मैंने कहा भाई मैं चलता हूँ। और फिर उसके बाद मैं उसको भाई बोला कि चल ठीक है, ध्यान रख, आ जाना। तो मैं बस बाय बाय करके अभी उसको निकला और यहाँ पे मैं था। ओहो भाई, यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई कल के टाइम में, इतनी बर्फ़ ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं पड़ी, बर्फ़ पड़ गई है। और फिलहाल मैंने राफिया को बुला लिया था कि तू आ जा, क्योंकि मैंने ब्रैम्पटन जाना था और इसने भी जाना था ब्रैम्पटन, तो हम साथ में ही जाने वाले थे। और बीच में हमारा प्लान था कि कुछ खाने के लिए चलते हैं, तो अभी शायद हम डाउन टाउन जाएंगे कुछ खाने और फिर वहाँ से सीधा घर। वैसे तो यहाँ स्कार्पियो से ट्रेन लेके डाउन टाउन से सीधा ब्रैम्पटन बस चलती है, बट अब हम यहाँ से एक बस लेके फिर सबवे लेके खाने जाएंगे कुछ, फिर उसके बाद देखते आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मन करा था मोमोज खाने का। और वो जगह जो है हमारी फेवरेट मोमोज वाली, काफ़ी व्लॉग्स में मैंने वो डाली हुई है, तो वो डाउनटाउन में ही है, तो हम डाउनटाउन जाएंगे यहाँ से। एंड ठंड बहुत है यार यहाँ पे, तो भाई बर्फ़ पड़ रही है, ठंडा है, इससे बढ़िया तो ब्रैम्पटन है, ठंड भी नहीं पड़ती वहाँ पे। तो और हाथ दुख गया मेरा अब, और हाथ ठंडा भी हो गया। तो भाई अभी हम चले हैं डाउनटाउन और हम आ गए फाइनली सबवे में, ऐसा है। बस मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, पर ठीक है। मस्त जोक मारा रे। मैं ये देख रहा था कि एक इतना सुंदर बंदा बैठा है और एक देख लो 3 दिन से नहाया नहीं है, जो बिना नहाए भी सुंदर लग रही है। 3 दिन से तू भी नहीं नहाया? कल नहा के आया हूँ मैं। नहीं नहीं है। 3 दिन से तू भी नहीं नहाया? बातें करा लो बस। कब? एक हफ्ते पहले। ज्यादा हो रहा है अब, ठीक है। तो भाई अभी हमारा प्लान है मोमोज खाने का। अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, बट मैं बोर होऊंगा क्योंकि यार नेट भी नहीं चल रहा। हाँ इतना एक्साइटेड है, हमने कुछ खाया ही नहीं रास्ते में कि हाँ बस जाके बस मोमोज ही खाने हैं, और इतने दिनों से मन कर रहा था मोमोज खाने का। हाँ अब यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आएगा और अब मैं बैठा रहूँगा, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। यार इसके फ़ोन में आते हैं सिग्नल, मेरे फ़ोन में ही आते हैं, बट जब मैं घर में होता हूँ अपने बेसमेंट में तब इसके सिग्नल नहीं आते और मेरे सिग्नल पूरे आते हैं। बट एनी हाउ हमें कितने दूर जाना है, कितने स्टेशन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 स्टेशन दूर ज़्यादा है, 1 घंटा लगेगा आराम से। नहीं 40 मिनट्स लगेंगे। तो आज तुम बस से लेके आई है इतनी जो तगड़ी बस, जो भाई मैंने बोला जल्दी जाना है, ये ऐसी बस में लेके आई है जो जिधर हमने जाना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से पूरा घूम के फिर जाके आए भाई उसके। अभी मैंने ना यही चेक करा था, वो निकिता के घर के सामने से पूरा लेफ्ट लेके ऐसे सामने से ही गई, पर हम गए तो घूमते ही थे ना, थोड़ा सा घूमती है वो, लाइक थोड़ा सा, बस मैंने बोला था 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रखा। लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता आर्ग्यूमेंट में, बात सही। तो भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट की वॉक रह गई है टर्मी सेक्शन की।
ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा है यार, मैं तो घर बैठा रहता हूँ, मेरे को तो इतने टाइम बाद ऐसे बाहर निकल के बड़ा अजीब सा लग रहा है। बट एनी वे 10 मिनट्स नहीं 5 मिनट्स की वॉक रहेगी और फिर जल्दी से ठूसते हैं बस। भाई ये रहे टोरंटो का सबसे बढ़िया मोमोज। हमारा इतना मन कर रहा था इतनी बार आने का, बट ये थोड़ा दूर है घर से, वरना तो मैं ज़रूर आता यहाँ पर रोज़। बट अब मैं इंजॉय करूँगा, उसके बाद सीधा घर चलते हैं। कैसे है? तो भाई अभी हम आ चुके हैं घर वापस ब्रैम्पटन, और अब थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा। घर जाऊँगा और इस ब्लॉग को एडिट करूँगा। फिलहाल ज़्यादा कुछ अभी है नहीं है, चलते हैं, कैब कराने वाला हूँ मैं, जल्दी से कैब करा के बस फिर घर जाता हूँ और फिर वहाँ पे देखते क्या चल रहा है अभी। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं घर पे, और काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था, खाना खुना खा के, और जस्ट अभी सारा व्लॉग एडिट किया मैंने। फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो एंड किया ही नहीं व्लॉग, तो कुछ खास किया नहीं, और मैंने देखा कि 15 मिनट का व्लॉग बन गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं 10 या 11 मिनट तक का ही रखता हूँ ऐसा तो व्लॉग का टाइम अपने, बट और बड़ा नहीं करते इस व्लॉग को। मेरे को यही था कि बस इस व्लॉग के थ्रू मैं जो बोलना चाह रहा था इतने कमेंट्स में पढ़ पढ़ के वो मैं बोल दूं, और कुछ खास नहीं था, बस ट्रैवल ही किया और ज़्यादा दिखा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा पर्सनल था ये, मेरे को जिस फ्रेंड के जाना था वो सब चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता था ज़्यादा व्लॉग में। तो जल्दी से मिलते हैं नए व्लॉग में, जिधर हम अभी प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, तो वो जल्दी ही आएगा, इस वीकेंड कर रहे हैं, आज थर्सडे है, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में हम जाएंगे और जल्दी व्लॉग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल व्लॉग होएगा काफ़ी टाइम बाद, और घर बैठ बैठ के बोर वैसे तो मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। बट एनीवे मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।